नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये जो है ये वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। इस पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आखिर डिजिटल रुपी है क्या और डिजिटल रुपी आखिर काम कैसे करता है एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, आप और हमारे लिए यह डिजिटल रुपी किस तरह से बेनिफिशियल है, ये मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और क्रिप्टो करेंसी से ये कैसे अलग है और साथ ही साथ फिजिकल फॉर्म ऑफ नोट है, इनसे कैसे अलग है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो उस आई बटन में क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कल की बात है कि कल ही आरबीआई ने ये जो डिजिटल रुपी है ये 4 सिटीज़ में लॉन्च कर दिया है। ये आप डेट देख सकते हैं 1 दिसंबर 2022, तो ये कल की बात है। तो आरबीआई ने 4 सिटीज़ में ये लॉन्च कर दिया है। अगर आप इन 4 सिटीज़ में रहते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली एक्सेस कर पाएंगे डिजिटल रुपीज़ को। अब वो 4 शहर आखिर हैं कौन कौन से, तो आरबीआई ने ये 4 शहरों में जो ये अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है वो है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। इन 4 शहरों में 1 दिसंबर को आरबीआई ने अपनी ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो कि एज अ ट्रायल कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए चलाती है। तो एक तरह से ये ट्रायल हो रहा है कि आखिर ये डिजिटल रुपीज़ काम कैसे करेगी, और साथ ही साथ 9 अदर सिटीज़ में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 4 शहरों में लॉन्च हुआ है और 4 शहरों में आगे लॉन्च होगा। अब बात आती है कि ये डिजिटल रुपी जो है वो यूपीआई से अलग कैसे है। तो आप लोगों को पता होगा जब आप यूपीआई करते हैं तो बीच में बहुत सारी बैंक्स आती हैं, इंटरमीडिएट बैंक आती हैं, जैसे कि अगर आप एसबीआई है, अगर एसबीआई से आप कोई अदर बैंक में, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में अगर आप रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बीच में बहुत सारी बॉडीज़ आएंगी। जैसे एक तो एसबीआई आ गई, दूसरी एक्सिस बैंक आ गई, और बीच में जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो भी बीच में आएगा। तो यूपीआई में ये जो है इंटरमीडिएट जो कोलेबोरेशन है ये होता है। डिजिटल रुपी की, तो डिजिटल रुपी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो डोनर और रिसीवर ये दो लोग इन्वॉल्व होंगे और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और दूसरा एक और रीज़न है कि आखिर कैसे अलग है, दूसरा ये है कि जब आप यूपीआई में पैसे तभी आते हैं जब कहीं ना कहीं वो फिजिकल फॉर्म में आप जमा कराते हैं। अगर आप जब तक फिजिकल फॉर्म में उन पैसों को बैंक में जमा नहीं कराएंगे या जब तक वो पैसे जो हैं फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक यूपीआई में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल रुपया है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक अमाउंट शो कर दिया जाए कि ऐसे आपके पास इतने 1234 1232 रुपीज़ हैं आपके अकाउंट में, पर ये जो है ये ना किसी बैंक में होंगे ना कहीं पर भी होंगे, मतलब ये फिजिकल फॉर्म प्रेजेंट होगा ही नहीं इन रुपयों का। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये अलग हैं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो पुरानी वाली वीडियो है जो मैंने अभी आपको पहले बताई है तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट में जो मैंने बात की थी ये 9 सिटीज़ जो बाद में लॉन्च होगा वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला। ये जो हैं इनमें भी आगे एक्सटेंड होगा हमारे ये पायलट प्रोजेक्ट, तो अगर आप लोग इन शहरों में रहते हैं तो आप लोग एक्सेस कर पाएंगे इन द फ्यूचर, और अगर आप इन 4 सिटीज़ में रहते हैं तो आप लोग डिजिटल रुपी को एक्सेस कर सकते हैं अभी। और जो ये डिजिटल रुपी का जो एक्सेस है ये बहुत ही कम बैंकों को अभी प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया और IDFC बैंक। ये 4 बैंकों को इन 4 शहरों में ये डिजिटल करेंसी का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कराया गया है। इनके अलावा और कोई बैंक अभी तक तो नहीं ऐड हुई है इस लिस्ट में, इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि और भी बैंक्स को ऐड किया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूज़ मिल गई होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर कौन कौन से वो 4 शहर हैं जिसमें डिजिटल रुपी को लॉन्च किया गया है, और ये जो 4 शहर हैं वो आप लोगों को मिल गए, और कौन कौन से बैंक हैं वो भी आपको पता चल गया। और अगर आप लोगों को डिजिटल रुपये के बारे में और भी कुछ जानना है कैसा है, क्या है और कैसे काम करता है, तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके द अर्थोलॉजी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल रुपये डाल के उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो रेगुलर बेसिस पे देख लेते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए आप लोगों का जो रेशियो है बहुत कम है कि सब्सक्राइब 0.4 और नॉट सब्सक्राइब 99.6, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक, और साथ ही साथ बताइए कि
ये जो है ये किस तरह से काम करेगा, या ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक हैं, इन द कमेंट सेक्शन आप बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।